सभी को नमस्कार। आज बाबा साहेब अंबेडकर जी की इस पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी स्टेट ऑफिस में एससी मोर्चा के तत्वधान में यहाँ कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में एससी मोर्चा के अध्यक्ष बादशाह जी, सांबा मूर्ति जी, मनोहर रेड्डी जी और भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। आज पूरे भारत में बाबा साहेब अंबेडकर जी की इस पुण्यतिथि के अवसर पर सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि आज हम गर्व से जी रहे तो हम बाबा साहेब अंबेडकर जी की ही वजह से। आज हमें न्याय अगर मिल रहा है तो वो बाबा साहेब अंबेडकर जी की ही वजह से। एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी सभी वर्गों के साथ न्याय अगर हो रहा है तो वो बाबा साहेब अंबेडकर जी की ही वजह से है। तो सभी लोग आज उनको नमन कर रहे हैं और उनको आज याद कर रहे हैं। मैं बाबा साहेब अंबेडकर जी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ और मेरी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ आज हम लोग देख रहे हैं तेलंगाना में रावण राज का अंत हुआ। तेलंगाना में रावणों का राज था और ये रावण कौन था? केसीआर और उसका परिवार। जिस प्रकार से केसीआर ने तेलंगाना की जनता को धोखा दिया था, सबसे पहले हमारे एससी समाज को ये केसीआर ने धोखा दिया था। 2014 में आप सबको याद होगा कि अगर मेरी सरकार सत्ता में आती, अगर मैं ज्यादा विधायक जीतता हूं तो मैं दलित को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये उनका आश्वासन था। 3 एकड़ लैंड दलित समाज को देने का उनका वादा था और दलित बंधु लगाकर सिर्फ 100 परिवारों को देकर बाकी के 1100 परिवार वालों को धोखा देने वाला ये केसीआर। कभी भी केसीआर ने बाबा साहेब अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, कभी कोई कार्यक्रम नहीं किया। विधानसभा में खड़े होकर यही केसीआर ने कहा था कि हम बाबा साहेब अंबेडकर जी की भव्य प्रतिमा टैंगमोंड पे बिठाएंगे। जबान देकर पलटने वाला केसीआर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर बार जो किए सो वादे को याद दिला दिलाकर केसीआर को मजबूर किया बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा टैंगमोंड पर बनाने के लिए। आज वहां पर प्रतिमा बनी है तो वो केसीआर की वजह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की वजह से है।